everyone. My name is Subhya Fatima. I'm a B.A. second professional student from Nalanda Medical College, Patna. और आज 24 दिसंबर है, यानी कि आज हम फाइनली 2020 बैच आ गए हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. सो हम लोग चलिए देखते हैं कैसा एडमिशन का प्रोसीजर और क्या क्या हो रहा है, और कुछ 2020 बैच से और 2019 बैच से इंटरेक्शन करते हैं. चलिए. और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं अपने स्टूडेंट्स, मतलब अपने बच्चों के साथ एडमिशन करवाने के लिए. ये 19 बैच के कुछ लोग जो जा रहे हैं अपने जूनियर से मिलने. अब चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं और देखते हैं LT1 में क्या चल रहा है. वहाँ पर सारे एडमिशन हो रहे हैं और कितने लोग लाइन लगाए हुए हैं, सब कुछ देखते हैं एडमिशन का प्रोसीजर एग्जैक्टली. हाँ, देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स लाइन में लगे हैं, क्योंकि बहुत कम एरिया है एंड ज़्यादा लोग हैं. हम लोग पीछे वाले गेट से एंट्री करेंगे. यहाँ पर 2019 बैच की छात्रा अपने जूनियर्स को देखने के लिए उत्सुक. अब हम लोग इंटर करेंगे LT1 के अंदर और देखेंगे कि क्या चल रहा है. यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. डॉक्यूमेंट स्पेशली जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ है वही फिल कर रहे हैं अभी मोस्टली सब लोग. बहुत सारे स्टूडेंट्स आए एडमिशन लेने के लिए, सीट भी बढ़ गई. इस कारण भी आज टोटल 80 स्टूडेंट्स को टोकन मिला है. आई थिंक रेस्ट को कल मिलेगा, कल होगा एडमिशन. पहले ऑनलाइन फ़ीस इन्होंने हाफ जमा की है, उसके बाद अभी LT1 आए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. इसके बाद फिर ऑनलाइन फ़ीस भी कुछ ऑफलाइन फ़ीस सॉरी फिर जमा करनी होगी आई गेस. इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करके इन लोगों का अलग LT2 में मेडिकल चेकअप होगा. यहाँ पर एक लड़की मुझसे कोई डाउट पूछ रही रिगार्डिंग कि कौन सा फ़ोटो लगाना होता है, और मैं उसे समझा रही हूँ. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहाँ पे एक आंटी देख रही है मुझे कि कर क्या रही है. हाँ, तो अब आगे बढ़ते देखते और किसको प्रॉब्लम है. हाँ, जूनियर से इंटरेक्शन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. इसे रैगिंग में ना ले. मैं सबकी हेल्प कर रही थी डॉक्यूमेंट फिल करने में, कब कहाँ पे क्या चीज़ फिल करनी है, क्या क्या हो गया, मेडिकल हुआ है या नहीं, ये सब पूछ रही थी मैं. और ये लंबी कतार आप देख सकते हैं. यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है, वहाँ पर सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं और सबको जल्द से जल्द NMCH में एडमिशन लेना है. यहीं पर चल रहा है डॉक्यूमेंट का सारा जो भी चीज़ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़के फिल भी कर रहा है. और यहाँ पर हमारे मुकेश भैया हैं, वो सारा जिम्मेदारी अकेले संभाल रहे हैं अभी फ़िलहाल. सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, एडमिशन का प्रोसीजर कर रहे हैं. और भी देखिए बाकी सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं. LT1 है ये जहाँ पर ये सब हो रहा है. अब हम लोग बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया भीड़ भाड़ में. सब मास्क लगाए हुए हैं सारे स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स. चलिए अब हम लोग कुछ 19 बैच के स्टूडेंट से गुफ्तगू करते हैं. हमारे इमीडिएट जूनियर्स हैं जिनके फाइनली जूनियर्स हम आ गए, तो इन्हें कैसा फील हो रहा है प्लीज बताइए. कितना से स्टार्ट करना चाहिए यार हमारे? बहुत एक्साइटेड हूं. यस, जोर से बोलो. हां, बहुत एक्साइटेड हूं. फाइनली जूनियर्स आ गए, इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली हमारे भी जूनियर्स. अब हम और जूनियर नहीं रहे, अब सीनियर हो गए. कैसा बर्ताव करोगे अपने जूनियर्स के साथ? इंटरेक्शन हो गया ना, तुम क्या करोगे? इंटरेक्शन नो रैगिंग होने वाला है. रैगिंग फ्री NMCH. एंटी रैगिंग फ्री NMCH. एंटी. सो अभी मैं इंटर कर गई हूँ कैंटीन में, जहाँ पर 19 बैच ने हम जितने भी लोग आए उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम किया, बाकी चीज़ें भी चाय वाय. और यहाँ पर मैं एक पेरेंट को फिर से समझा रही हूँ कुछ कि उन्हें क्या करना है डॉक्यूमेंट में, कब कहाँ क्या फिल करना है, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ये है LT2. यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर मेडिकल का चेकअप हो रहा है. वहाँ पर मैम लोग आई हुई हैं जो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप कर रही हैं. ये प्रोसीजर के बाद फाइनली ऑफिस में जाकर जो बाकी बचा हुआ ऑफलाइन फीस है वो जमा करना है. देख सकते हो सारे स्टूडेंट्स अभी आए हैं. कुछ लड़कियाँ मुझे वीडियो बनाना देख कर हंसना भी शुरू कर दी है. अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही है तुम? और कहाँ जा रही हो बताओ, मास्क उतारो. ठीक है ठीक है, वीडियो में नहीं. वेलकम करने जा रहे हैं अपने जूनियर. अच्छा अच्छा, और हम लोग भी सीनियर बनने वाले हैं. अच्छा, कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है इंटरव्यू ले रहे हैं मैम. ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ा जिम्मेदारी. ये कैसा फील हो रहा है बहुत टाइम के बाद सीनियर बन रही है तुम लोग? ऐसे तो अगस्त में ही बन जाते हैं लोग. बहुत इंतजार किया, फाइनली बन रहे हैं. ठीक है, जाओ फिर. तो मैम कैसा लग रहा है फाइनली ग्रैंड सीनियर बनने वाले हैं आप? हमको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम ग्रैंड सीनियर बन गए. कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. 19 बैच की तो थी, अब 20 बैच की भी आ गई है. ठीक है मैम, बस ग्रैंड सीनियर बनने के चक्कर में हम लोग को पार्टी देना मत भूलिएगा. एकदम
दोनों को अलग से पार्टी देना होगा। यस।